हेलो एवरीवन, मेरा नाम साहिल गुप्ता है और जैसा कि मैं माहौल देख रहा हूँ, सब लोग प्यार मोहब्बत वाली बातें कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है सबका दिल टूटा हुआ है, लेकिन मेरी कहानी जो मेरी पोएट्री है वो प्यार मोहब्बत की नहीं है। ये किसी एक बहुत ही ख़ास इंसान के लिए है जिसे अक्सर छोड़ दिया जाता है भीड़ों में, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा कुछ लिखा नहीं जाता है, तो ये उस इंसान पर कहानी है। पोएट्री टॉपिक्स आप लोग समझ जाएंगे। तो मेरे पोएट्री का टॉपिक है कि बाप ऐसे ही होते हैं, और सैल्यूट है उन सारे फादर्स को जो लोग सैक्रिफाइसेस करते हैं हमारे लिए। तो शुरू करता हूँ, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं है। तो जैसे कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ वो अकेले अपने कंधों पे ढोते हैं, कि घर की जिम्मेदारियों का बोझ वो अकेले अपने कंधों पे ढोते हैं, परिवार की खुशी के लिए इतनी तकलीफ़ों में भी वो हमेशा खुश मिजाज होते हैं। घर में दो वक्त की रोटी आ सके इसलिए वो कड़ी से कड़ी धूप में भी तपते हैं, बावजूद इसके भी वो दुनिया से मिली तानों को अकेले ही सहते हैं। अजी वो बाप है, और बाप तो ऐसे ही होते हैं। तो आगे की जो कुछ लाइनें हैं वो एक फादर के सैक्रिफाइस के ऊपर है, कि कैसे फादर अपना सब कुछ सैक्रिफाइस करके फैमिली को, अपने बच्चों को पालते हैं। तो उस पर कि अपने बच्चों की खुशियों के लिए वो हर रोज़ अपनी खुशियों का गला घोटते हैं, जाने कैसे इतना कुछ सह कर भी वो खामोश रह लेते हैं। दुनिया जहाँ की मुसीबतों से भी वो अकेले ही लड़ लेते हैं। जाने कैसे अपने परिवार के लिए वो इतनी तकलीफ़ें सह लेते हैं। हाँ, वो बाप है एक, और बाप तो ऐसे ही होते हैं। खुद के कपड़े फटे हो लेकिन बच्चे के लिए नए खिलौने लेते हैं, खुद अनपढ़ होकर भी अपने बच्चों के ऊंचे पढ़ाई के सपने सजोते हैं। ख्वाहिशें उनकी भी होती है, मगर उन्हें मारकर अपने बच्चों के अच्छे भविष्य की ख्वाहिशें सजोते हैं। जाने कैसे खुद को छोड़ अपने बच्चों के बारे में इतना सोचते हैं। अजी वो बाप है, और बाप तो ऐसे ही होते हैं। फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में है, कि फादर कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठाते हैं, सब कुछ इतना कुछ झेलने के बाद में, मतलब वो लोग कभी पीछे नहीं हटते उस पर है। तो ऐसे ही कि सबकी उम्मीदें पे वो खरे उतरते हैं। खुद के अरमान दिल में दबाकर वो दूसरों के अरमान को पूरा करते हैं। पैरों में छाले होते हुए भी कहाँ वो अपने लिए नए जूते लेते हैं, रात देर से भी सोया तो क्या, सुबह जल्दी ही काम पे निकल लेते हैं। अजी वो बाप है, और बाप तो ऐसे ही होते हैं। सारे दर्द और तकलीफ़ें वो अकेले सहते हैं। कोई देख ना ले आंसू उनके, इसलिए वो सिर्फ बरसात और अकेले में रोते हैं। बावजूद इसके भी वो दुनिया के सामने हमेशा कठोर बने रहते हैं। घर वालों की मुस्कुराहट देख वो भी अक्सर मुस्कुरा लिया करते हैं। वो बाप है, और बाप तो ऐसे ही होते हैं। अब आगे की जो लाइनें हैं ये आजकल के जो जेंजी जनरेशन से, जो अक्सर अपने फादर्स को उल्टा जवाब दे देते हैं, उनके लिए कि वो सोच समझते हैं कि वो एक फादर का रोल निभा रहे हैं, मतलब उनका जिम्मेदारी होना, हमारे उनको पालना पोसना। तो उनके लिए खास करके कि बच्चे सो सके आराम से इसलिए वो पूरी रात सिर्फ एक करवट में ही सोते हैं। उनके आराम के लिए वो अपना नींद चैन यहाँ तक कि सुकून तक होते हैं। और आज तुम बड़े हो गए तो कहते हो कि ये तो हर बाप के फ़र्ज होते हैं चुका न सकोगे अपनी ज़िंदगी से भी, ऐसे बाप के कर्ज होते हैं। ऐसा सुनकर अपने बच्चों से फिर भी वो कहाँ ज़्यादा देर तक नाराज रह पाता है अजी हाँ वो भाई बाप है, और बाप तो ऐसे ही होते हैं। जिंदगी के बारे में शायरी है, उसके साथ में ख़त्म करना चाहूँगा। एक दो शायरी हैं बस, टाइम है। तो ऐसे कि सुंदर सुशील सक्षम ये जिंदगानी लगती है। जरा देखो तो सही कितनी प्यारी इसकी कहानी लगती है। आज माई से करो तो रियासतें मिटा देती है, रियासतें मतलब जो पूरा राजपाट होता है उसके बारे में। तो ऐसे कि आज माई से करो तो रियासतें मिटा देती हैं, ये अपना बना लो तो महले सयां करती है, अपना बना लो तो महले सयां करती है। और एक लास्ट शायरी के साथ में विदा लेना चाहूँगा,
जैसे कि जिंदगी से मायूसी नहीं बस थोड़ी तकरार हो गई है कि जिंदगी से मायूसी नहीं बस थोड़ी तकरार हो गई है, किससे मेरी जिंदगानी के अब बस इन पन्नों तक बरकरार हो गई है। कभी मिलना तो तुम्हें अपने दर्द दिल का हालत बताऊंगा, कि कभी मिलना तो तुम्हें अपने दर्द दिल का हालत बताऊंगा, कैसे दिल में बसा ये मोहब्बत अब नफरत में इश्तियार हो गई है, अब नफरत में इश्तियार हो गई है।